सो हे गाइस, फाइनली इंडिया के अंदर Xiaomi ने अपने मी सीरीज के अंदर दो नए डिवाइस लॉन्च कर दिए हैं, जो कि है Xiaomi का Mi 10T और Mi 10T Pro डिवाइस। हालांकि गाइस, इसके साथ में एक Mi 10T Lite डिवाइस था जो कि ग्लोबली लॉन्च हुआ है, बट इंडिया के अंदर अभी वो लॉन्च नहीं होने वाला है। हो सकता है वो डिवाइस आपको रीब्रांड करके किसी और स्मार्टफोन के नाम से देखने को मिले, लेकिन गाइस अभी Mi 10T और Mi 10T Pro डिवाइस लॉन्च हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं क्या कुछ प्राइस रही है इन दोनों ही फोन्स की, और क्या हमें इन दोनों ही स्मार्टफोन को बाई करना चाहिए या फिर मार्केट के अंदर इससे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है, सब कुछ बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। सो हे गाइस, और आप देख रहे हो टेकल परस्यूम यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे कमाल के वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। सो गाइस, Xiaomi की तरफ से Mi 10T और Mi 10T Pro डिवाइस दोनों ही बहुत ही फ्लेक्सिबल डिवाइस हैं। जहां पर गाइस स्पेक्स की बात करें तो दोनों फोन्स में काफी हद तक जो स्पेक्स है वो सिमिलर देखने को मिलते हैं, अगर कुछ स्पेक्स को छोड़ दे। सो गाइस, अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें इन फोन्स की डिस्प्ले को, सो दोनों फोन के अंदर बिल्कुल सेम साइज की 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली IPS LCD पैनल वाली स्क्रीन मिलती है। सो गाइस, यहां पर मैं कहना कि जो कुछ प्राइस पर ये स्मार्टफोन लॉन्च हुए ना, एक IPS LCD पैनल बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। अगर एक सुपर AMOLED या फिर AMOLED डिस्प्ले होता तो ज्यादा बेस्ट होता, लेकिन गाइस Xiaomi ने इन दोनों ही फोन्स के अंदर 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एक स्क्रीन दी है। सो यहां पर आपको स्मूथ एक्सपीरियंस तो हो जाने वाला है, बट कहीं ना कहीं जो AMOLED डिस्प्ले वाली बात होती है ना, वो आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। बट फिर भी गाइस, यहां पर Xiaomi ने क्लेम किया है कि यहां पर आपको बहुत ही कमाल की ब्राइटनेस मिलती है, क्योंकि Xiaomi की तरफ से 650 निट्स की एक मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलती है, जो कि इस फोन को काफी ज्यादा ब्राइट बनाने वाली है। बाकी फोन के डिस्प्ले के ऊपर आपको मिलती है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, और यही आपको बैक में भी देखने को मिलता है, मतलब गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन आपको बैक और फ्रंट दोनों ही फोन्स में देखने को मिलता है। बाकी दोनों फोन में क्योंकि IPS LCD पैनल है तो कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इन दोनों ही फोन के साइड में देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइस, डिस्प्ले के अंदर आपको MEMC टेक्नोलॉजी और SDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। इस प्राइस के अंदर आपको बहुत ही कम फोन्स देखने को मिलते हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। बाकी गाइस, अगर बात करें डिस्प्ले को लेकर तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है, बट गाइस एक AMOLED डिस्प्ले थोड़ा सा तंग जरूर कर देता है। लेकिन अगर बात करें इन दोनों ही फोन्स के परफॉर्मेंस को लेकर, तो इन दोनों ही फोन्स के अंदर आपको देखने को मिलता है Snapdragon 865, जो कि यार Snapdragon की तरफ से एक बहुत ही कमाल का चिपसेट है, और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पर आपको बिल्कुल टॉप नॉच परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और भाई, इस प्राइस के हिसाब से Snapdragon 865 बिल्कुल ही कमाल का जस्टिफाई करता है, और मेरे अकॉर्डिंग एक कमाल के स्मार्टफोन हो जाते हैं। और उसी के साथ में आपको LPDDR5 RAM टाइप मिलता है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है, सो आपको परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ और कमाल की मिलेगी। साथ में 144 हर्ट्ज वाली स्क्रीन हो जाती है, तो बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन गाइस, यहां पर इन दोनों ही फोन्स के कैमरा के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, जहां पर दोनों फोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा लेंस देखने को मिलते हैं, जहां पर जो दो लेंस होंगे बिल्कुल ही सेम होंगे, यानी 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। बट गाइस, जो प्राइमरी लेंस होगा वहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जहां पर Mi 10T डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिलेगी 64 मेगापिक्सल वाली प्राइमरी लेंस, सोनी MX682 सेंसर, जो कि गाइस यहां पर इस प्राइस के अंदर ठीक ठाक हो जाता है। जहां पर इस फोन के साथ में आप 10x डिजिटल जूम कर सकते हो, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और 120fps पर स्लोमो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, तो बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। लेकिन गाइस, यहां पर जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है, यानी Mi 10T Pro डिवाइस, वहां पर आपको मिलता है 108 यानी 108 मेगापिक्सल वाला प्राइमरी लेंस, जो कि बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। साथ में गाइस, यहां पर आपको OIS का सपोर्ट भी मिलता है, और गाइस यहां पर जो सेंसर है ना, वह है Samsung का HMX सेंसर, तो यहां पर आपको डिटेलिंग या फिर ओवरऑल कैमरा क्वालिटी कमाल की मिलेगी। बाकी इस फोन के कैमरा के साथ में आप 8K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कि आप मैक्सिमम 8K 30fps तक ही रिकॉर्ड कर सकते हो, बाकी आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 60fps में, और गाइस यहां पर आप 960fps तक की स्लोमो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो फुल HD में, सो बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। और अगर बात करें इन दोनों ही फोन्स के सेल्फी कैमरा को लेकर, तो 20 यानी 20 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। सो इन दोनों ही फोन्स में से जो टॉप एंड वेरिएंट है, यानी Mi 10T Pro डिवाइस, वहां पर आपको बहुत ही कमाल का कैमरा ओवरऑल देखने को मिलता है, और उसी के साथ में आपको 5000 यानी 5000 mAh की बैटरी इन दोनों ही फोन्स के अंदर मिलती है, 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस प्राइस के अंदर आपको कोई भी वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, और कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलती है इस प्राइस के अंदर। और अगर बात करें इन दोनों ही फोन्स के कुछ और फीचर्स को लेकर, सो यहां पर इन दोनों ही फोन्स के साथ में आपको वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.1, NFC, आयर ब्लास्टर और डुअल स्टूडियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। और अच्छी बात कि इन दोनों ही फोन्स के साथ में आपको 3.5 मिलीमीटर ऑडियो यानी हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है। आजकल फ्लैक्सी फोन्स के अंदर आपको 3.5 मिलीमीटर ऑडियो जैक नहीं देखने को मिलता है, सो ये एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। और उसी के साथ में गाइस आपको माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी मिलता है। लेकिन अगर बात करें फाइनली इन दोनों ही फोन्स के प्राइसिंग को लेकर, तो इंडिया के अंदर Mi 10T डिवाइस आपको अपने बेस वेरिएंट यानी 6GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में 36 से लेकर 37,000 के करीब देखने को मिलने वाला है, तो वहीं पर Mi 10T Pro डिवाइस आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में 40,000 के ऊपर देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, ओवरऑल ये दोनों ही फोन्स बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशंस के साथ में और बहुत ही कमाल के प्राइसिंग पर आते हैं Snapdragon 865 के साथ में। डिस्प्ले के अंदर जो टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है कमाल की मिलती है, और कैमरा क्वालिटी भी आपको अमेजिंग देखने को मिलती है। बाकी इन दोनों ही फोन्स का लुक भी बहुत ही कमाल का यूनिक है, बैक साइड में कैमरा प्लेसमेंट आप देख सकते हो बहुत ही कमाल का लगता है। लेकिन गाइस, कहीं ना कहीं कुछ कमी
कमियां भी है, जैसे कि डिस्प्ले के अंदर 120 हर्ट्ज या फिर 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक एमोलेड या फिर सुपर एमोलेड पैनल होता तो ज्यादा बेस्ट होता, क्योंकि इस प्राइस के अंदर जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन आपको बाकी देखने को मिलते हैं वहां पर आपको एक एमोलेड या फिर सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कराती है कंपनियां। सो गाइस नीचे कमेंट करके आप बताओ कि क्या आप इन डिवाइस को लेकर एक्साइटेड हो या फिर आप इनको बाय करने की सोच रहे हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो में कुछ भेजा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं एक नया और कमाल की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।